सो हमने बहुत सारे स्पीकर रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए थे लाइक डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में एंड डेफिनेटली डिफरेंट स्पीकर्स का हमने वीडियोस बनाए थे जिस टाइम वही लिस्टिंग वाला वीडियो होने वाला स्पीकर्स अंडर 4000 रुपीस हमने इससे पहले भी 4000 रुपीस के अंडर आने वाले स्पीकर्स का वीडियो बनाया था बट आज हम फिर से उसी प्रकार से वीडियो बनाने वाले हैं अंडर 4000 रुपीस बट इसमें कुछ स्पीकर्स मैंने ऐड किया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इजी टू कैरी एंड डेफिनेटली साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छे हैं चार स्पीकर्स मैं आपको बताने वाला हूँ एंड देखते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा फर्स्ट प्लेस पे मैंने स्पीकर रखा हुआ है सोनी SRX XB100 100 इसका मतलब ये नहीं कि 100 वाट का स्पीकर है बट दिस इज दी स्पीकर पोर्टेबल स्पीकर सर्कुलर शेप में आता है XB12 जैसा आता था उसी प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस में मिल जाते हैं स्ट्रैप मिल जाता है जिसे आप कैरी वगैरह कर सकते हैं 64mm का ड्राइवर मिल जाता है वाट आउटपुट निकलता है वो तो मुझे नहीं मिला बट डेफिनेटली साउंड क्वालिटी मामले में ये भी बहुत ही अच्छे से हमको SBC एंड ASC कोडेक का सपोर्ट इसमें मिल जाता है साउंड क्वालिटी डेफिनेटली कैसे एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है हालांकि अल्ट्रा पोर्टेबल स्पीकर है बट इन टर्म्स ऑफ वोकल्स ट्रेबल्स एंड बेस ये बहुत ही कमाल का साउंड करता है 100% वॉल्यूम भी विदाउट डिस्टोर्शन आपको बहुत ही अच्छा साउंड प्रोवाइड करता है एंड सुनने भी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें आपको IPX67 रेटेड यानी कि फुल्ली वाटर प्रूफ ग्लास प्रूफ या फिर मड प्रूफ स्पीकर है एंड आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ मिल जाता है 16 आवर्स प्लेबैक टाइम इसमें मिल जाता है बट कितना वाट का बैटरी है ये नहीं पता इसमें आपको स्टीरियो साउंड का सपोर्ट मिल जाता है यानी कि वही TWS वाला फीचर इसमें आता है दो स्पीकर कनेक्ट करके आप स्टीरियो स्पीकर्स का मजे ले सकते हैं इसमें माइक आता है विथ इको कैंसिलेशन जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कॉल वगैरह पिक करके बात कर सकते हैं एंड USB-C आता है और चार्जिंग द स्पीकर अनदर 4000 रुपीज डेफिनेटली गाइस ये भी बहुत ही अच्छा एक स्पीकर है एक अल्ट्रा पोर्टेबल स्पीकर स्पेशली कहीं टूर पे जाते हैं डेफिनेटली स्पीकर आपको पसंद आएगा सेकंड प्लस पे जो मैंने स्पीकर रखा हुआ है गाइस JBL Go 4 डेफिनेटली JBL जाने जाते हैं उनके साउंड क्वालिटी के लिए भी गाइस एक बहुत ही कमाल का अल्ट्रा पोर्टेबल स्पीकर है जो कि इसमें 4.2 वाट का स्पीकर आता है जो कि टोटल पावर आउटपुट दिए प्रोवाइड करता है एंड साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है JBL का सिग्नेचर साउंड इसमें भी आपको मिलता है इवन दो ये एक पोर्टेबल या फिर मेरे को अल्ट्रा पोर्टेबल स्पीकर है एंड इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी वोकल्स ट्रेबल्स एंड बेस तीनों बहुत ही अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें एंड डेफिनेटली गाइस साउंड बड़े अच्छे से इसमें बैलेंस है विदाउट डिस्टोर्शन इवन 100% वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी भी एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है इसमें को IPX67 सर्टिफाइड है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है 7 आवर्स प्लेबैक टाइम मिल जाता है विद 850mAh बैटरी विद द चार्जिंग टाइम ऑफ 3 आवर्स इसमें टाइप सी मिल जाता है फॉर चार्जिंग द बैटरी एंड ऑफ कोर्स में ऑरा कास्ट का सपोर्ट मिल जाता है इसमें माइक्रोफोन का सपोर्ट तो नहीं मिलता है बट डेफिनेटली इसमें TWS का फीचर मिल जाता है एंड गाइस इसमें को ऐप का सपोर्ट मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज मुझे लगा इस प्राइस सेगमेंट में अंडर 4000 रुपीस सो अगर कोई बहुत अच्छे ब्रांडेड स्पीकर चाहिए विद साउंड क्वालिटी एंड ओवरऑल फीचर्स विद ऐप सपोर्ट डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं थर्ड प्लस पर जो मैंने स्पीकर रखा हुआ है साउंड कोर की तरफ से आने वाला ग्लो मिनी ये बेसिकली कैसे एक सर्कुलर शेप में आने वाला स्पीकर है विद RGB एंड 8W का बेसिकली स्पीकर है एंड आपको 360 साउंड ऑफर करता है यानी कि चारों तरफ से आपको ये साउंड प्रोड्यूस करके देता है जो कि एक 360 इफेक्ट बनाता है जो कि डेफिनेटली सुनने में आपको अच्छा लगेगा हर तरफ से सेम इक्वल साउंड करेगा इसे ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है एंड साउंड क्वालिटी इसमें भी बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है वोकल्स ट्रेबल्स एंड बेस की बात करें तो तीनों बहुत ही अच्छे इसमें मिल जाते हैं इसमें आपको IP67 सर्टिफाइड है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है 1800mAh बैटरी आता है 12 आवर्स प्लेबैक टाइम एंड डेफिनेटली गाइस कनेक्ट प्लस का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप 100+ स्पीकर्स साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं एंड गाने का मजा ले सकते हैं इसमें भी कैसा गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा विथ माइक मिल जाता है अटेंड करके बात कर सकते हैं सो अंडर 4000 रुपीज गाइस ये भी एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है एंड डेफिनेटली साउंड क्वालिटी इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है विथ RGB एंड वॉइस असिस्टेंट एक बहुत अच्छा स्पीकर बना देते हैं वैल्यू फॉर मनी भी ऐसे बोल सकते हैं अब फोर्थ प्लस पर जो मैंने स्पीकर रखा हुआ है गाइस बोट स्टोन स्पिनएक्स प्रो ये भी कैसे एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार शेप में आता है इसमें स्ट्रैप मिल जाता है जिसे आप कैरी वगैरह कर सकते हैं इसमें आपको 20 वाट का स्पीकर मिल जाता है 10-10 वाट के डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी ऑफर करते हैं एंड ऑफ कोर्स वोकल्स ट्रेबल्स एंड बेस ना इसमें बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं इवन हर एक वॉल्यूम में भी बहुत ही अच्छा साउंड ये करता है बट जैसे कि बोट्स के स्पीकर पहले आया करते थे विद अ बेटर बेस या फिर मैं कहूँ ज्यादा बेस वो वाला सीन इसमें नहीं है इसमें सब कुछ बैलेंस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेबल वोकल्स एंड बेस हालांकि बेस इसमें भी है बट उस लेवल का नहीं है जैसा पहले
स्पीकर्स हाई करते थे बोट के इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वेस बेस ट्रेबल्स एंड वोकल्स की बात करूँ एवरी वॉल्यूम आपको अच्छा सुनाई देता है, बट इन 90-100% वॉल्यूम थोड़ा ना थोड़ा डिस्टॉर्शन करता है जो एक बात है, बट 80% वॉल्यूम तक कोई दिक्कत इसमें नहीं आता। इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छा स्पीकर है, इसमें RGB भी मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का बात है। इसमें को ऑक्स USB TF कार्ड एंड टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग। 3600 mAh बैटरी आता है विद 18 hours ऑफ प्लेबैक टाइम विद RGB, ये कम ही आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम ऑफर करेगा। इसमें को IPX4 सर्टिफाइड यानी कि जैसे स्लैश प्रूफ स्पीकर है, थोड़े मोटे पानी छीटे पड़े कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट टेक दिस स्पीकर इनसाइड द वॉच। इसमें को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है, SBC कोडेक का सपोर्ट इसमें मिल जाता है, FM भी मिल जाता है, माइक भी मिल जाता है एंड TWS का फीचर भी आता है, ये स्पीकर की तरह इसे यूज कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं बहुत अच्छा स्पीकर है बोट की तरफ से एंड हाँ कोई दिक्कत नहीं लगा अंडर 4000 rupees, ये भी बहुत ही अच्छा स्पीकर है, बट ये बोट का स्पीकर आपको 3000 rupees के अंदर मिले देन डेफिनेटली गाइस इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्पीकर हो जाएगा, उसको डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड ये भी गाइस बहुत ही अच्छा स्पीकर है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी एंड फीचर्स।